हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स कई सारे टाइप की मैट्रिसेस हैं। इस लेक्चर में हम यहां तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये कुछ और मैट्रिसेस बचेंगी जिसको कि इस चैप्टर को एंड करते करते मैं आपको इन डिटेल्स पढ़ाऊंगा। ठीक, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रो मैट्रिक्स से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक, और इसको हम पढ़ने वाले हैं कुछ अच्छी खासी डिटेल में। मेरे संग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोलते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम चाहे कितने भी हों लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। आप देखिए इसको, इसमें रो केवल एक है जबकि कॉलम तीन तीन है। मींस अगर मैं ऐसे बोलूं मैट्रिक्स ए आई जे का ऑर्डर है एम बाई एन, तो यहाँ पर रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमन सेंस से मालूम पड़ता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें कॉलम केवल एक ही होना चाहिए, रो चाहे कितनी भी हो जाए। मींस बाउंडेशन केवल कॉलम पे है तो रो बाय कॉलम मींस एन की वैल्यू वन होनी चाहिए। सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से ही मालूम पड़ रहा है। नाम से क्या मालूम पड़ रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो वो सिंगलटन मैट्रिक्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ग्रीन में लिखा हुआ है रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो रो या कॉलम मैट्रिक्स हो उसको बोलते हैं रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अगेन नाम से मालूम पड़ रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जो आपको हॉरिजॉन्टल ज़्यादा दिखाई दे और वर्टिकल कम। मींस इस तरीके की मैट्रिक्स, आप देखो बच्चों इसमें दो रो हैं और चार कॉलम है। मींस नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा ज्यादा होंगे नंबर ऑफ रोज से। आप देखिए इसमें कॉलम चार है और जबकि रो इसमें दो है। अगर नंबर ऑफ रोज कम होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे तो मैट्रिक्स हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। इसी तरीके से लुक एट वर्टिकल मैट्रिक्स, जैसा कि नाम बता रहा है इसको कि ये वर्टिकल फॉर्म में दिखाई देने वाली मैट्रिक्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स, आप इसको भी एनालाइज कीजिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो ज्यादा होंगी और कॉलम कम होंगे ऐसी मैट्रिक्स आपको वर्टिकल दिखाई देगी। जीरो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स ओ से दिखाते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो लेकिन सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, इसको याद कीजिए। स्टूडेंट्स अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब से लेके इस चैप्टर को आप लास्ट जितना भी पढ़ोगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप जो मैट्रिक्स यूज करोगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है मैट्रिक्स के कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा होगा जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। नंबर ऑफ रोज कैसे होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्टूडेंट्स बहुत सारी बातें इस मैट्रिक्स में समझने को है, आप ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको पहली बात समझाना चाहूं तो मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं। लेट्स से मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स लिखता हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। स्टूडेंट्स मैं टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डायगोनल,
डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है, किसी और मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता। और डायगोनल की एंट्रीज केवल वही होती हैं जिनका जितना रो नंबर होता है उतना ही कॉलम नंबर होता है। सारे ए आई जे ऐसे ही होंगे जिसमें जितना आई होगा उतना ही जे होगा। आप देख सकते हो A11, A22, A33। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक वो जो डायगोनल पे हैं। तो यहाँ डायगोनल वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? A11, A22, A33। और बाकी सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट्स कहलाते हैं ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल वो जिनका आई और जे बराबर नहीं है, जैसे A12, A13, A23, A21, A31, A32। मींस स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरह के एलिमेंट्स, एक वो जो डायगोनल पे हैं और दूसरे वो जो डायगोनल पर नहीं है। उसके बाद जो दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है वो ये कि अगर आप बहुत ध्यान से देख पाए तो वो सारे एलिमेंट्स जो अबव डायगोनल है, अबव डायगोनल एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल के ऊपर हैं उसमें आई हमेशा जे से छोटा होता है, और बिलो डायगोनल, और जो बिलो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें आई हमेशा जे से बड़ा होता है। मतलब ऊपर वालों में रो का नंबर कम है, कॉलम का नंबर ज़्यादा है, पर नीचे वालों में रो का नंबर ज़्यादा है और कॉलम का नंबर कम है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं आगे, और हम सारे नोटेशंस इन्हीं की हेल्प से लेने वाले हैं। मींस डायगोनल पे आई इक्वल टू जे, बाकी आई इज नॉट इक्वल टू जे, उसमें अबव डायगोनल और बिलो डायगोनल। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तीसरी बात की, ट्रेस की। ये ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ट्रेस कहते हैं। मतलब अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए कुछ इस तरीके से बनाऊं, और इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट? अगर ऑर्डर 3x3 है, इसको आप 3x3 भी बोल सकते हैं, और अगर दोनों एक से हो तो केवल 3 भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे इसका ट्रेस पूछूं तो ट्रेस क्या आएगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम, दिस इज 3+4+3=10। मींस आपको ये मालूम पड़ना चाहिए ट्रेस केवल किस मैट्रिक्स में होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी वो क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा। एक और चीज पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कुछ और जानकारी देता हूं। स्टूडेंट्स एक और टर्म आपको याद रखना है, वो है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है। मतलब अगर हम इसको देखें तो A12 को आप उल्टा कीजिए, क्या बनेगा? A21। मींस A12 एंड A21 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। सिंपली A13 का उल्टा A31, A13 एंड A31 आर कॉन्जुगेट। सिंपली लुक एट दिस A23 and A32 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। इसको पलट के जो पोजीशन बनेगी वो उसके कॉन्जुगेट की होगी। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। अच्छा, 1-1 को पलटो तो 1-1 ही आने वाला है, 2-2 को पलट के 2-2 आने वाला है, 3-3 को पलट के 3-3 आने वाला है, तो ये खुद के ही
कॉन्जुगेट है। और एक बात स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो इकलौती मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इकलौती मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। अभी ये इससे ज़्यादा यूजफुल नहीं है आपके लिए, जब अगले चैप्टर में आएंगे तब समझेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है। बट आप ये समझ लीजिए अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ही पड़ेगा। प्लीज नोट कीजिए स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आप इस टेबल को मेरे संग भरना सीखिए, क्योंकि आगे वाली मैट्रिसेस को पढ़ाते वक्त मैं कुछ एक क्वेश्चंस बनाऊंगा जिसमें इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। ये सारी स्क्वायर मैट्रिसेस है, ये 2x2 ऑर्डर की है, ये 3x3 ऑर्डर की है, ये n ऑर्डर की है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 का स्क्वायर दिस इज 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 ऑर्डर की है, 3 का स्क्वायर विच इज 9। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n का स्क्वायर। जब n की वैल्यू पता लगेगी तब आंसर आएगा, ये आप सबको पता है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं। अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो डायगोनल एलिमेंट 2 थे, जब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो डायगोनल एलिमेंट्स 3 थे, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 4 होते, इसी तरह n ऑर्डर की मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स n होंगे। मींस अगर कोई पूछता है कि 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कितने होने वाले हैं तो वो 5 होने वाले हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स डायगोनल पर नहीं है उसके ऊपर है या उसके नीचे हैं वो कितने हैं। सिंपल, सारे एलिमेंट्स में से डायगोनल एलिमेंट्स की काउंटिंग माइनस कर दो, क्या मालूम पड़ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मालूम पड़ जाएंगे। जैसे इसमें 4-2 विच इज इक्वल टू 2, दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, 4 और 5। सिंपली यहां पर ऑफ डायगोनल कितने हुए स्टूडेंट्स, सारे एलिमेंट्स में से डायगोनल वाले माइनस कर दो विच इज इक्वल टू 6। आप देखिए 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, ऐसे ही इसमें सारे एलिमेंट्स में से क्या माइनस कर दो, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस n। आप इसमें ध्यान से देखिए ये जितने भी एलिमेंट हैं उसमें आधे ऊपर हैं और आधे नीचे हैं, 2 में 1 ऊपर है और 1 नीचे है, अबव डायगोनल इसके आधे, बिलो डायगोनल इसके आधे। आप देख लीजिए 6 अगर ऑफ डायगोनल है तो उसमें 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, मींस इसके आधे ऊपर इसके आधे नीचे। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो n स्क्वायर माइनस n के आधे ऊपर और n स्क्वायर माइनस n के आधे नीचे, तो अबव डायगोनल आर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, सिमिलरली बिलो डायगोनल आर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये हमारे बहुत काम में आने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हूज ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। स्टूडेंट्स आपको यह ध्यान देना है कि डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस ये बोला जा रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे वो एलिमेंट जो डायगोनल पर नहीं है वो जीरो है, जो डायगोनल पर नहीं है वो जीरो है। मींस डायगोनल से ऊपर वाले भी जीरो और डायगोनल से नीचे वाले भी जीरो हर केस में। अब डायगोनल एलिमेंट्स की बात आती है,
क्या ए और बी जीरो हो सकते हैं? तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये ए जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली बी जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। तो कंपल्शन केवल और केवल किस पे लगा हुआ है? एलिमेंट्स ऑफ ऑफ डायगनल, उनको जीरो होना जरूरी है। अब इसी के बेसिस पर हम कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, लेट से जिसका ऑर्डर एन है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन, का मतलब एन बाई एन। एक एन बाई एन मैट्रिक्स में कितने कम से कम जीरो होने जरूरी हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी ऑफ डायगनल हैं कम से कम उतने तो जीरो होने जरूरी है। उससे ज्यादा ये जीरो हो जाए चलेगा, ये जीरो हो जाए चलेगा, ये जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम कितने जीरो होंगे? जितने ऑफ डायगनल हैं उतने जीरो होंगे। तो मिनिमम कितने होंगे? जितने की नंबर ऑफ ऑफ डायगनल होंगे, और वो कितने हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है एन स्क्वायर माइनस एन। कम से कम इतनों को तो जीरो जीरो होना ही पड़ेगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मतलब ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो अलग अलग लिखे जा सकते हैं, मतलब इसमें कितने अलग अलग तरह के एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है सारे ऑफ डायगनल को तो जीरो ही होना है। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होंगी? एक तो ज्यादा से ज्यादा डायगनल वाले सारे अलग अलग हो जाएंगे, प्लस ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो केवल एक और आ सकता है डायगनल के अलावा। इससे ज्यादा अलग अलग नंबर आप लिख ही नहीं सकते किसी भी डायगनल मैट्रिक्स में। तो इसको याद कीजिए और नोट कीजिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स है। अभी अभी हमने पढ़ा है डायगनल मैट्रिक्स, यस ये बिल्कुल डायगनल मैट्रिक्स है, पर ऐसी डायगनल मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये वन वन भी हो सकते हैं, टू टू भी हो सकते हैं, थ्री थ्री भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर जो भी होंगे वो सेम होंगे। अगेन अगर हम टेंथ देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी डायगनल मैट्रिक्स है, आप इसको डायगनल भी बोल सकते हैं, आप इसको स्केलर भी बोल सकते हैं, लेकिन संग संग ये आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी डायगनल मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्वल तो होते ही हैं, एन इक्वल्स टू वन, सारे के सारे एलिमेंट्स वन ही होते हैं। और इसको स्टूडेंट्स दिखाते हैं आई से, मींस कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अगर आपने अभी तक वीडियो को ढंग से देखा है तो आप बहुत आसानी से एक बात समझ सकते हैं कि सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती हैं वो स्केलर होती है। आप देखिए, सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होती हैं, लेकिन सारी स्केलर आइडेंटिटी नहीं हो सकती। जैसे ये मैट्रिक्स लिखिए, ये स्केलर तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। फिर आइडेंटिटी और स्केलर दोनों ही मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स होती हैं, लेकिन सारी डायगनल स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होते। जैसे ये एक डायगनल मैट्रिक्स है लेकिन ना ये स्केलर है और ना ये आइडेंटिटी है। और फिर आप देख सकते हैं सारी डायगनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, जबकि इसका वाई से वर्सा ट्रू नहीं होता।
मींस सेट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिसेस इज सबसेट ऑफ स्केलर मैट्रिसेस व्हिच इज सबसेट ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस एंड व्हिच इज सबसेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट। अब शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक आज का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स सारे जीरो हो तब उल्टा बोलते हैं उसको, डायगोनल के नीचे वाले जीरो तो अपर ट्रायंगुलर। देखिए आप डायगोनल के नीचे वाले जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, और अगर डायगोनल के ऊपर वाले जीरो तो बोलते हैं स्टूडेंट्स लोअर ट्रायंगुलर। आप इसमें गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ऊपर जीरो है तो लोअर है, और अगर नीचे जीरो है तो अपर है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एक बात और समझ लीजिए। केवल बिलो डायगोनल ऑल जीरो या अबव डायगोनल ऑल जीरो, ये एक कंपल्शन है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि डायगोनल के ऊपर वाले जीरो नहीं हो सकते या डायगोनल वाले जीरो नहीं हो सकते, इनमें से कोई भी जीरो हो सकता है। बस कंपल्शन क्या है कि डायगोनल के नीचे वाले तो इसमें जीरो होंगे ही और डायगोनल के ऊपर वाले इसमें जीरो होंगे ही। अगर इस कंडीशन को माना जाए तो चाहे अपर ट्रायंगुलर के लिए हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर के लिए हो, मिनिमम जीरोस कितने होंगे, मिनिमम। तो आप देखिए, मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लिखूं अपर ट्रायंगुलर के लिए, तो उसमें कम से कम डायगोनल के नीचे वाले तो जीरो होंगे ही, और हमने पढ़ा था कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स कितने होते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। अगर आपको याद नहीं आ रहा है वीडियो में पीछे जाइए और देखिए। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कम से कम डायगोनल के ऊपर वाले तो जीरो होंगे ही, और डायगोनल के ऊपर कितने हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। फिर एक और बात आती है कि मैक्सिमम कितनी एंट्रीज डिस्टिंक्ट हो सकती है, मींस कितनी अलग अलग एंट्रीज इसमें आ सकती हैं। देखिए स्टूडेंट्स कितनी अलग अलग एंट्रीज आ सकती हैं, डायगोनल वाली सारी ये अलग अलग हो जाए, अपर डायगोनल एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू वो अलग अलग हो जाए, प्लस डायगोनल के नीचे वाली वो तो हमेशा सारी जीरो रहेंगी, वो तो एक ही एंट्री आएगी जीरो। फिर से देख लीजिए एक बार, मैक्सिमम कितनी एंट्रीज अलग अलग हो सकती हैं, सारी डायगोनल वाली और सारी डायगोनल से ऊपर वाली, प्लस नीचे वाली तो हमेशा जीरो ही रहेगी। सेम फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, कितनी एंट्रीज अलग अलग हो सकती हैं डायगोनल से नीचे वाली प्लस डायगोनल वाली और सारी ऊपर वाली तो जीरो होंगी ही। या आप इसको एलसीएम लगकर सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू प्लस वन। गो थ्रू द फुल वीडियो वेरी केयरफुली, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, और इसकी डिटेलिंग आने वाली वीडियोज के लिए बहुत यूजफुल है, नोट कीजिए। थैंक यू।